हमारे साथ में उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की तरफ से स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री दिग्विजय जी हमारे साथ में मौजूद हैं और वे श्रम विभाग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ई श्रम पोर्टल पे कैसे काम होता है और इसके चाइल्ड लेबर जो है चाइल्ड लेबर के विषय में आप जानकारी देंगे। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है उसमें श्रम विभाग अपना किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, जो आज इस फेयर में जो हमारा स्टॉल का उद्देश्य था वो यही था कि जो श्रम विभाग की योजनाएं और जो नीतियां हैं उनको हम इंडस्ट्री के लोगों को और जो यहाँ पे विजिटर आ रहे हैं उनको बता सके। इसी क्रम में ये जो आप देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर ई श्रम का जो फ्लैक्सी लगी हुई है, बेसिकली आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूर काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, ई श्रम पोर्टल, जिसमें बहुत आसानी से कोई भी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक जो है वो अपने आप को पंजीकृत कर सकता है। उससे उसको एक पहचान मिली है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिली है और आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर उनको योजनाओं का लाभ देना चाहेंगी तो इससे मिल सकती है। वर्तमान में भी हम 2-3 योजनाओं का लाभ इनको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अग्रणी रहा है और लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा वर्कर जो है वो अभी तक ई श्रम पोर्टल के ऊपर पंजीकृत हो चुके हैं और जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि 51% से अधिक जो है वो महिलाएं वर्कर हैं। तो आगे आने वाले समय में हमें यदि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा देना होगी या योजनाओं से लिंक करना होगा तो एक हमारे पास बहुत ही ऑथेंटिक डाटा मौजूद है जो आज से पहले नहीं था। तो ये ई श्रम पोर्टल के संबंध में था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी प्रदेश के सरकार के सभी विभाग इस प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, इंडस्ट्रिस्ट जो है वो हमारे प्रदेश में आए और इंडस्ट्री लगाएं। उसके लिए एक आवश्यक है कि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मगर साथ में बहुत सारे लेबर लॉज हैं और कभी कभी इंडस्ट्रीज़ की ये शिकायत रहती थी कि कुछ लेबर लॉज की वजह से उनको कठिनाई होती है कंप्लायंस करने में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हमने बहुत सारी चीज़ें, श्रम कानूनों का सरलीकरण किया है। महिलाओं को पहले रात में काम करने की अनुमति नहीं थी, वो रात में काम करने की अनुमति दी है। वो सेल्फ अटेस्ट कंप्लाइंसेस दे सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है, कोई भी उनको रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल है, कोई भी उनको चीज़ें अप्लाई करनी होती है तो उनको ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होते और ना ही किसी हमारे अधिकारी से दो चार होने की जरूरत होती है। तो इसलिए एक श्रम विभाग एक फैसिलिटेटर के रूप में है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई भी उद्योग हमारे प्रदेश में काम करना चाहता है तो कम से कम उसको श्रम कानूनों के तहत कोई परेशानी ना हो, अगर कोई परेशानी भी हो तो उसको तत्काल उसका सलूशन हो, जी निदान हो जाए। और ज़्यादातर से चीज़ें तो हमने ऑनलाइन और ऑटोमेटेड कर दी हैं, जिसमें उसको कुछ जानकारी देनी है और उसको उसका ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो आप देखते हैं शॉप एंड कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होता था, वो रिन्यूअल की व्यवस्था हमने खत्म की। अगर एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है और ये बहुत मील का पत्थर साबित होता है। नहीं तो पता चला हर 5 साल के बाद उनके दिमाग में कंप्लायंस बर्डन हो रहता है कि वो भूल जाते हैं तो फिर पेनल्टी लगती थी, तो वो इस तरीके से वो किया। दूसरी चीज़ ये था कि छोटे दुकानदारों को ये रजिस्ट्रेशन के पचड़े से बचाने के लिए इसमें यह भी व्यवस्था की गई है, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्वयं चला रहे हैं तो निस्संदेह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद ही इसको डील कर रहे हैं, उनके पास कोई कर्मचारी नहीं है तो इसको इन रजिस्ट्रेशन के उसमें परव्यू में नहीं आना। तो इस तरीके से बहुत सारी ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मेन जो प्रयास यही है कि सारी चीज़ों को हम ऑनलाइन लेके आ रहे हैं। इवन जो इंस्पेक्शन है वो भी अब बहुत बिना किसी अनुमति या CIS के बगैर नहीं हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी उद्योग बंधु है, जो भी हमारे उद्योग के मित्र हैं या साथी हैं, उन्हें श्रम विभाग से किसी तरीके से असुविधा ना हो और वो आसानी से बिना किसी परेशानी के साथ अपना उद्योग प्रदेश में चला सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसी लाइन पे काम कर रहा है। उसी लाइन पे काम कर रहा है, उसका नाम ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि आप बिजनेस कीजिए, आसानी हम पैदा करेंगे। चाइल्ड लेबर जी, उसके अलावा बालश्रम का जो समस्या है, अक्सर आप देखते हैं कि आम पब्लिक से शिकायत आती है कि बच्चे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी काम हुआ है। उसमें 2 एंगल पे काम हुआ है। एक तो ये था कि जब हम लोग हमारे इंस्पेक्टर्स पहले चाइल्ड लेबर के लिए रेस्क्यू के लिए जाते थे तो एक ये प्रश्न उठता था कि ठीक है आप बच्चे को तो रेस्क्यू कर लोगे, काम से हटा दोगे, मगर इसके घर में तो कोई खाने कमाने वाला नहीं है तो कहाँ से होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2020-21 में एक योजना चालू की, बालश्रमिक विद्या योजना। उसका मतलब यही है कि यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसके जो अपने आर्थिक परिवार के आर्थिक कारणों से काम करने जा रहा है, मतलब जानबूझ के नहीं जा रहा, उसके फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई है, या दोनों में से कोई किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, विकलांग है, उनके घर में भूमि ही नहीं है। एक और बड़ी बात है कि कुछ परित्यक्त महिलाएं हैं, मतलब जिनकी शादी हुई, बच्चे हुए उनके, और उनकी ना ही तलाक हुई और ना ही वो उनके हस्बैंड जीवित हैं, मगर वो अपने वापस घर पे आ जाती हैं, तो वो हम लोग उनको वीमेन हेडेड फैमिली कहते हैं या फीमेल हेडेड फैमिली कहते हैं। तो अगर इस परिवार से बच्चे हैं और मजबूरन वो काम करने जा रहे हैं, तो सरकार ने कहा है बालश्रमिक विद्या योजना के माध्यम से कि भाई आप बच्चे को स्कूल भेजिए और जो बच्चे की इनकम है उसको हम कंपनसेट करेंगे। तो ऐसे बच्चों को हम योजना में आच्छादित करके 1000 रुपये महीना बच्चों को और 1200 रुपये महीना लड़कियों को देते हैं। लड़कों को 1000 रुपये, 1200 वो, और अगर हाई स्कूल वो पास करते हैं तो उनको 6000 और एक्स्ट्रा देते हैं। इसके अलावा बाकी सारी सुविधाएं फ्री है, और इसके अलावा अगर उनके परिवार को कोई और योजना का लाभ मिल रहा तो वो इससे बाहर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि इस योजना की वजह से बाकी योजनाओं का लाभ या स्कॉलरशिप रुक जाएगी, तो वो उसका भी लाभ ले सकते हैं, तो इस तरीके से बच्चे जो आर्थिक कारणों से काम कर रहे थे या परिवार की गरीबी के कारण से, तो उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। एक और समस्या आती थी कि बहुत से समाज के लोग हैं वो कहते हैं हमने चाइल्ड लेबर देखा, हम शिकायत करना चाहते हैं, मगर हम किसी पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, हम कोई लिखा पढ़ी एप्लीकेशन नहीं देना चाहते। तो भारत सरकार की अभी आप आगे देखेंगे, मैं कहूँगा उस पोस्टर को जरूर आप हाईलाइट करें, उसमें एक पेंसिल पोर्टल के नाम से आगे देखेंगे एक पेंसिल बनी हुई है, एक पेंसिल पोर्टल के नाम से वेबसाइट है, पोर्टल है, जिसमें आप जाइए और आपको आप सिर्फ बच्चे का लोकेशन के हमने इस जगह पे बच्चे को काम करते देखा अपलोड कर दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएगी। मान लीजिए आप नोएडा में रहने वाले हैं, आप कानपुर गए थे, आपने रास्ते में इटावा में कोई बच्चा देखा, तो अगर आप इटावा का वो फोटो अपलोड कर देंगे, डिटेल अपलोड करके, और आप अपना काम से कानपुर निकल जाइए, तुरंत वो इटावा के ऑफिसर के उसमें चला जाएगा और उसको 24 घंटे के अंदर उसमें जाके जाँच करके रिपोर्ट अंकित करनी होगी, जो आपको भी पता चलेगी। तो इस तरीके से अब आपको सिर्फ मोबाइल, और मोबाइल सबके पास है, आपको मेरे ऑफिस नहीं आना, आपको ये नहीं पता करना कि कौन बाल श्रम अधिकारी है, आपको कोई कागज पेन की जरूरत नहीं, आप शिकायत कर सकते हैं और उस बच्चे का जो नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी, बच्चे का पुनर्वासन होगा, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कार्रवाई होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चा वो काम पर रहा है। तो इस तरीके से दूसरी जरूरी चीज ये है कि आपके इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में 14 साल तक के बच्चे का हर तरीके का काम बैन, तो सबसे आप यही अनुरोध कीजिए कि 14 साल से नीचे बच्चों को काम पे ना रखें। उसके अलावा 14 से 18 में एक रेगुलेशन का प्रोविजन है कि सर्टन शर्तों के साथ आप बच्चों को काम करा सकते हैं, वो भी खतरनाक प्रक्रिया ना हो, मतलब कोई ना हो। तो जो लोग भी 14 से 18 साल के बच्चों को काम करा रहे हैं तो वो अच्छे से समझ लें, और मैं आगे उसमें डिटेल दी हुई है कि उन शर्तों का पालन ही करते कराएं। और मेरी तो सलाह यही रहेगी कि 18 साल से नीचे बच्चों को काम कराने में बचा जाए और उनको प्रेरित किया जाए कि वो विद्यालय जाएँ, एक बार वो पढ़ लिख कर आ जाए, कोई स्किल डेवलपमेंट कर ले, फिर आप उनसे अच्छे से काम कराइए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और बच्चे का भी शैक्षिक और मानसिक दौर नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि क्या घरेलू जो कामगार होते हैं वो भी कई बार आपने देखा है चाइल्ड लेबर होते हैं जी, तो उसमें भी क्या कोई? बिल्कुल, देखिए 14 साल तक तो आप इवन किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते, 14 साल तक के किसी भी बच्चे से आप काम नहीं करा सकते, चाहे वो घरेलू काम में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे दुकान में हो, किसी तरीके, मतलब क्योंकि राइट टू एजुकेशन में 14 साल तक जब राइट है बच्चे का तो वो दोनों का कंट्राडिक्शन हो जाएगा, और ये भी 2016 में ही अमेंडमेंट हुआ। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी है कि किसी भी तरीके से आप बच्चे को 14 साल से नीचे काम नहीं करा सकते। 14 से 18 के बीच में हो सकता है कि दोनों चीजें पैरेलल चल जाए, कि आप पढ़ाई भी करा लो, मगर उसमें भी ये नहीं कि आप उसको आगे किसी भट्टी के काम में, किसी एसिड के काम में, किसी खतरनाक काम में